بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بيولوجي كلاس 8. Today we are going to read chapter number 3, biodiversity. Biodiversity, as the word shows that, it is derived from two words, bio and diversity. Bio means life. हमें पता है bio का मतलब होता है life, means living organisms of the world. And diversity का मतलब होता है change, the change. It means biodiversity का मतलब ये है कि the change in living organism with the passage of time. हम ये जानते हैं कि with time the organism change, ठीक, and the diversity of those organisms. अगर हम plants की बात करते हैं so we will say flora, and if we talk about animals so we will say fauna. तो किसी भी चीज़ की diversity means if living organism की diversity, living organism में plants और animals आते हैं, तो living organism की जो diversity है that depends upon the region or on the area in which they are present. For example, the climate, the altitude, the soil and of that area will affect the diversity of plants or animals or we can say living organism. ये बात कि biodiversity जो है वो एक दो दिन का process नहीं होता. Biodiversity take years. Years mean billion of years or hundred of years. लेकर कोई चीज़ diverse होती है, कोई चीज़ means कोई organism diverse होता है. So जो आज हम जिस life में रह रहे हैं, जिस अर्थ में रह रहे हैं, आज की जो अर्थ है that has been diverse from the previous. So कितने साल का फर्क है, ये जो diversity है that is the result of 4 billion years of evolution. Evolution means change. The origin of life is not well known to science, though limited evidence suggests that until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. Means ये कि 600 million years ago जो है life exist में आई थी, science ये कहती है, और सबसे पहले जो organisms हैं जो इस दुनिया में आए थे, those are microorganisms or unicellular organisms. अब क्या है importance, क्या है importance diversity की, क्या है change की importance, क्या है biodiversity क्या important. ये है कि जिस environment में कोई भी organism रहता है, अगर उसने उस environment में survive करना है, so that organism need to be changed. उसको according to अपने situation, अपने circumstances के मुताबिक change होना पड़ता है. बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस ये भी है कि बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से आज जो है हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स बना रहे हैं यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड. फॉर एग्जांपल, वी आर मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल. दीज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ और मेंटेनिंग अ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है द लिविंग पार्ट ऑफ अर्थ. जो भी पूरी दुनिया का जो लिविंग पार्ट होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जितना हिस्सा बनाते हैं उसको हम बायोलॉजी में इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक, अब जब आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी लिविंग पार्ट है आपकी वर्ल्ड का, आपके अर्थ का, सो दैट विल बी मेंटेन्ड जस्ट बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में अब मेंटेनेंस, इकोसिस्टम की मेंटेनेंस क्या होती है? इकोसिस्टम की मेंटेनेंस सिर्फ दो तीन चीज़ों की वजह से होती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन का, हम पढ़ते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है तो ऑक्सीजन बन रही है, तो रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है. मतलब एक चीज़ यूज़ हो जाती है, वही चीज़ दोबारा से रिसाइकल हो जाती है, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाती है, फिर यूज़ होती है, फिर. सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम और लिविंग पार्ट ऑफ आर अर्थ. अब आप ये इस डायग्राम में यही वो बता रहे हैं कि दो किस्म के उन्होंने प्लांट्स दे दिए, एक ट्रॉपिकल रीजन के दे दिया है लेफ्ट पे, और एक राइट पे उन्होंने टेम्परेट रीजन का दे दिया. तो मीन्स ये कि जो प्लांट्स भी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप देख सकते हो कि जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं एज़ कम्पेयर टू मैदानी इलाके जो होते हैं जहाँ पर गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, वहाँ के प्लांट्स और वहाँ की फसलों में फ़र्क होता है. एक चीज़ जो एक ठंडे इलाके में पाई जाती है वो गर्म इलाके में नहीं पाई जाती है, नहीं पैदा हो सकती, वो वाले प्लांट्स वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ पर कल्टिवेट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द एरियाज और रीजन्स. क्लासिफिकेशन,
aims and principles. So first of all, you should know what is classification. Classification, as the word described that, classification का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी things को classify कर दें, classes में divide कर दें, मतलब groups में divide कर दें. ठीक, अब इसका aim क्या है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे organisms की, क्योंकि जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया में जो अगर 1.5 million types of, अगर हम animals की बात करते हैं, तो 1.5 million types of animals हैं और 0.5 million types of plants हैं जो हम अभी जानते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और वो कौन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो इतने बड़े लार्ज कलेक्शन को, ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उसको क्लासीफाई कर देते हैं, उनको सिमिलैरिटीज की बेस पे और डिफरेंसेस की बेस पर ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्कूल में देखते हैं तो हमारे स्कूल में 1 से लेकर मैट्रिक तक क्लासेस होती हैं. तो हर क्लास की एक रिक्वायरमेंट होती है. लाइक मतलब जो 8th क्लास में बच्चा है उसकी एज 13 टू 14 होगी, उसका मेंटल लेवल भी उतना होगा, उसका एक ही जैसा सिलेबस होगा, वो सब सिमिलैरिटीज इसी के साथ तहत उनको एक क्लास में डाला जाता है. और 8th क्लास का बच्चा 3-4 क्लास के बच्चे से बिल्कुल चेंज होगा. सिमिलरली इसी तरह इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रीड करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड कर दिया. सो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन. अब इसका एम क्या था और इसके प्रिंसिपल, एम तो सीधा सीधा एम उसका ये है कि टू स्टडी दोज ऑर्गेनिज्म, टू नो अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स. हमें उनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना ही था. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is a method by which biologists divide organism into group and subgroups. So to find out or to study or to know about those organisms on their basis of their similarities or dissimilarity. Now what are the aims of, maksad kya the? Aims of classification means classification ka maksad kya tha? So classification ke do maksad the. Number one is that to determine the similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. हमें पता लगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, ताकि हम उनको ईजिली स्टडी कर सकें. सेकेंड इज टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि जो उनकी बेस है, लाइक ऑर्गेनिज्म का इवॉल्व कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से है चेंज हुआ है, और उनके आपस में लाइक बैक में उनकी हिस्ट्री में उनका क्या आपस में ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है. नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब बेसिस क्या बनी, मतलब बुनियाद क्या बनी क्लासिफिकेशन की. द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज. द सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर ग्रुप एट सम टाइम सम पॉइंट इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज है, इसका मतलब ये है कि वो पीछे हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो एक बेस थी उनकी, वो एक ही चीज से निकले हैं. हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर सो क्लोज टू वन अनदर कि जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी स्पैरो की, आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स. लाइक जो स्पैरो है, अगर आप चिड़िया को देखो तो वो पिजन के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से मिलती है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी कीड़े को या किसी और इंसेक्ट को देखें. तो इसका मतलब ये है कि स्पैरो और पिजन्स दोनों एक कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनकी एक कॉमन हिस्ट्री है. मीन्स दे आर बर्ड्स, दे बोथ आर बर्ड्स. सिमिलरली व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, उनको जो एक्सटर्नल और इंटरनल सिमिलैरिटीज थी वो सब उनको वो बेसिस बनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की. मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट. अब टैक्सोनॉमिस्ट उसको कहते हैं जिन्होंने डिफरेंट, जिन्होंने क्लासिफिकेशन, द बायोलॉजिस्ट विच वर्क ऑन क्लासिफिकेशन, जिन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन की, उनको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं. द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू गेट द आइडिया अबाउट देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब डिफरेंट इन्होंने स्टेजेस बनाए, स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाए, उसको हम यहाँ पर टैक्सा बोल रहे हैं. सबसे पहला क्या है? फाइलम. फाइलम क्या है? दैट इज डिविजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई. अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, एक क्लास के. फाइलम के बाद आता है क्लास. अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. An order is a group of related families. A family is a group of related genera. A genus is a group of related species, and a species consists of similar organisms.
और स्पीशीज को वी कैन से मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो स्पीशीज मीन होता है नस्ल. मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सॉन रिसेम्बल्स टू वन एंड अदर मोर देन द मेंबर्स ऑफ अ हायर टैक्सॉन. मतलब जैसे जैसे आप इनके नीचे वाले लेवल पर आते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोअर लेवल पर आते जाएंगे मतलब स्पीशीज तक पहुंचे जाएंगे, तो उनका रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा. मीन्स स्पीशीज और जीनियस का ज्यादा क्लोज रिलेशन होगा एज कम्पेयर टू स्पीशीज और क्लास का. ठीक, अब इसकी जो एग्जाम्पल है इन्होंने यहाँ पर इस टेबल को दी हुई है, सिंपल क्लासिफिकेशन दी हुई है, आप इसको देखेंगे. ये इन्होंने टैक्सा दिए हुए, मतलब द स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन दी हुई है. ठीक, फ्रॉम हायर टू लोअर, किंगडम सबसे बड़ा स्टेज होता है, टैक्सा होता है. सो दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक, सबसे बड़े से छोटा है. एग्जाम्पल इन्होंने ह्यूमंस के लिए भी, अब ह्यूमन की क्लासिफिकेशन क्या की, ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन का किंगडम क्या है, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्रीमेट्स, फैमिली होमिनेडा, जेनस होमो, स्पीशीज होमो सैपियंस. पी को देखेंगे, पी मतलब मटर की बात की हुई है, किंगडम प्लांटे, फाइलम मैग्नोलिफाइटा, क्लास मैग्नोलिप्सिडिया, ऑर्डर फेबेलस, फैमिली फेबेशिया, जीनस पिसम एंड स्पीशीज पी सेटवियम. सो नाउ वी विल रीड द डिटेल्स अबाउट दोज टैक्सास ग्रुप. फर्स्ट इज स्पीशीज. स्पीशीज इज द बेसिक और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीशी क्या होती है, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर. ईच स्पीशीज पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स. स्पीशीज उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं विच कैन इंटरब्रीड. इंटरब्रीड का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स. ऑफ स्प्रिंग मीन देयर चिल्ड्रन. बट आर लेकिन उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. दे हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. लाइक इफ यू कैन सी, एक ह्यूमन बींग है, एक घर में आप लोग अगर दो या तीन बहन भाई हो तो एवरी वन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये अगेन इन्होंने टेक्सोनॉमिक हायरार्की दी हुई है ऑफ ह्यूमंस का. चलिए, इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज ऑन इन नेचर बिकॉज द टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. स्पीशीज का यहाँ पर मतलब मैंने आपको पहले भी बोला, स्पीशीज मीन नसल. तो स्पीशी क्या होता है कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन दे आर सिमिलर इन द नेचर बट दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मैन और वुमेन की बात करते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर लेकिन दोनों की स्पीशीज एक ही है. स्पीशीज क्या है, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर होमो सैपियंस. ठीक, वो इसी तरह वो यही बात कह रहे हैं कि अगर आप आर्टिफिशियली क्रॉस ब्रीड करते हैं, क्रॉस ब्रीड का मतलब ये है कि इफ यू क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस या टू प्रोड्यूस सम ऑफ टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, उसको हम कहेंगे ब्रीडिंग या क्रॉस. ठीक, अगर आप दो रिलेटेड स्पीशी को क्रॉस करोगे अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, मतलब विच इज नॉट नेचुरल, यू आर्टिफिशियली डू दैट, तो इसमें क्या होगा, ऐसे क्रॉस में का इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होगा वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, मतलब वो नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डोंकी, मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, एक डोंकी और एक हॉर्स के दरमियान, फीमेल हॉर्स के दरमियान क्रॉस करें, मतलब ब्रीड करें, उन दोनों को रिप्रोड्यूस करवाएं, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उस वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो इनफर्टाइल होगा. इनफर्टाइल मींस का ये है कि वो आगे जाकर मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, उसमें इनफर्टिलिटी पाई जाएगी. दैट इज म्यूल. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ म्यूल, इनफर्टाइल म्यूल. क्यों, क्योंकि हमने इसको आर्टिफिशियली ब्रीड किया है, कि एक डोंकी और जो हॉर्स है वो दोनों सेम स्पीशीज है, सेम है, कहीं ना कहीं सिमिलर है, लेकिन वो एक स्पीशी नहीं है, वो एक नस्ल नहीं है. डोंकीज की अलग नस्ल है और हॉर्सेस की अलग नस्ल है, लेकिन अगर हम उन दोनों को रिप्रोड्यूस कराते हैं, उन दोनों का ब्रीडिंग करवाते हैं, तो इट मीन्स हम आर्टिफिशियली ब्रीड करा रहे हैं. तो जब हम आर्टिफिशियली ब्रीड कराते हैं तो जो भी ऑफस्प्रिंग से बनता है वो ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल होता है, मीन्स उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती टू फर्दर फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब क्लासिफिकेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल,
फर्स्ट यहाँ पर कुछ इन्होंने दिए हुए हैं, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल दिया हुआ है, ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एट द टाइम ईदर विद अ ग्रुप ऑफ प्लांटी और एनिमल, मतलब एरिस्टोटल ने पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वो प्लांटे और एनिमेलिया में। 700 में अबू उस्मान उमर अल अलजाहिज डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक, ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। In 1172, Ibn Rushd translated Aristotle's book The Animia on the Soul in Arabic. In the end of 15th century, many biologists had started work on classification method. For example, Carlos Linnaeus ki baare mein karein, they have divided the organism into three kingdom, mineral, vegetable and animal. Linnaeus used five rank of classification, जिसमें उन्होंने क्लास ऑर्डर जीनस एंड स्पीशीज एंड वैरायटी के बारे में, डिफरेंट वैराइटीज के बारे में किया, मतलब ये यहाँ पर आपको उन्होंने कुछ साइंटिस्ट का बताया हुआ है जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल अबाउट दोज फाइव साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जिन्होंने अपना प्ले किया इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो क्या है कि जो ओल्डर सिस्टम था, ओल्डर सिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो क्लासिफिकेशन थी वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी। इट मीन्स दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनिज्म कैन, दो किस्म के ऑर्गेनिज्म है, वन दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लांट्स बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ्स, एंड सेकेंड विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, they depend upon other organism for their food, they are heterotrophs, so they come into in the group of animalia. According to this system, jo bacteria hai, fungi and algae hai, ye sare kisme ye plants mein include karte hain. Kyun? Isne two kingdom means two kingdom jo classification hai uski basis kya bani ki agar organism apna food khud prepare kar sakte hain means they are autotrophs, to wo planting hai, lekin agar organism apna food khud prepare nahi kar sakte so means they are heterotrophs and they come in the group of animalia. Some taxonomists hain unko ye work, matlab they thought that this two system classification is not right because many unicellular organism like Aeglionia have both, wo plants bhi hote hain aur wo animal like bhi hote hain, means they can Aeglionia का ये मसला है कि अगर उसको क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट हो तो वो फूड बनाएगा, अगर वो नहीं होता तो वो फूड नहीं बनाता, मींस अगर लाइट होती है तो वो फूड बनाने लग जाता है, मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर इसमें इसको लाइट प्रोवाइड की जाए तो इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड, और अगर उसको लाइट प्रोवाइड ना की जाए तो इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड। सो इट मीन्स ये हेटरोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफ्स ये है, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, इसलिए बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने इस सिस्टम को गलत साबित किया। ठीक, और इसके अलावा दिस सिस्टम हैज आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, और यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ये सिस्टम इतना अच्छा नहीं चला तो उसके बाद नया एक सिस्टम प्रोड्यूस हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ, दैट इज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। एनएस शेकल ने थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, इसमें क्या किया, इन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। क्यों किया, टू अकोमोडेट द Aeglionia लाइक ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में वो बोल रहे थे कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी अपना फूड बना सकते हैं कभी नहीं बना सकते, उस मसले को हल करने के लिए इसने एक और किंगडम दे दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। लेकिन ये प्रोटिस्टा जब किंगडम आया फिर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें, जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाला जो मसला था वो हल नहीं हुआ, तो फिर भी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट एंड टैक्सोनॉमिस्ट डिसएग्री किया उन्होंने इस सिस्टम के साथ। पहली बात तो ये कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई मसला नहीं हल हुआ, दूसरा ये कि जो फंजाई है, फंजाई जो होती है ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, लेकिन हमने उसको प्लांट में डाला हुआ है, प्लांटिया में डाला हुआ है, और जबकि पहले वो कह रहे थे कि प्लांटिया में वो आएंगे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला था। ठीक, इसके अलावा फंजाई का मसला भी शुरू हो गया। नेक्स्ट, फिर जब ये मसला भी हुआ तो फिर इन्होंने दिया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज मेनली गिवन बाय द ई चैटन एंड रॉबर्ट वेडकर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइव किंगडम सिस्टम। अब दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, नंबर वन इज दैट द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उसका मसला हल हुआ। दूसरा इसका कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मतलब इसकी जो बेसिस बनी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनी।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ऐसे जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, और ऐसे जो अपना फूड डिकम्पोज करके लेते हैं या अब्जॉर्ब करके खाते हैं। इसलिए ये तीन बेसिस, दो बेसिस बनी ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम कौन कौन से थे? नंबर वन इज मोनेरा, नंबर टू इज प्रोटिस्टा, नंबर थ्री इज फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। Now in 1988, Marlus and Schwarz modified the five kingdom system of classification. इन्होंने मजीद इसमें modification की, changes की। इन्होंने क्या किया कि mode of nutrition के साथ साथ इन्होंने genetics को भी include किया। So what will be the general characteristics of five kingdom system? Number one is the kingdom Monera। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Kingdom Monera में क्या थे? It includes prokaryotic organism। Prokaryotic organism क्या होते हैं? Those organisms that are made up of prokaryotic cells means they are unicellular, although some have chains, clusters or colonies, but they are radically different from eukaryotic cells, means they do not have nucleus. Next is most are heterotrophic, means they cannot prepare their own food, but they perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. Lekin kabhi kabar they can produce their food. Within this kingdom, there are two different kind of organism, bacteria dale and cyanobacteria dale. Next is kingdom protista. Kingdom protista mein kya hota hai? It includes eukaryotic unicellular and simple multicellular organisms. And they have three main types of protista. Number one is algae, because they are unicellular, colonial or simple multicellular organism. They resemble with plants. They can have chlorophyll. And they can prepare their own food, means they are autotrophs. And protozoans, matlab algae hue, number 2 pe protozoans dale, because they resemble to the animals whose lack cell chlorophyll and cell wall mein nahi hota. Number 3 inhone, they add some protistas are fungi like, unhone kuch protista mein fungi bhi dal diye. Next inhone ek alag se fungi ka kingdom kiya, kingdom banaya, that is kingdom fungi. It includes eukaryotic multicellular heterotrophs which are absorptive in their nutritive mode, that is fungi jo hote hain bache, fungi are decomposers, because ye kya karte hain, they can prepare, they are heterotroph, means wo apna food khud nahi prepare kar sakte, wo kisi aur cheez se, living organism se lete hain, lekin unke lene ka tarika ye hota hai ki wo usko decompose karte hain, means usko उसके ऊपर अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं, मतलब एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और वो एंजाइम उस फूड को या उस ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, और फिर उसके टूटने से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह वो अपनी फूड खाता है या अपनी फूड बनाता है। फंजाई की ये एक सबसे डिस्टिंक्ट करेक्टर था फंजाई का, सो दैट वाई उसको ये एक अलग से किंगडम बनाया, दैट इज किंगडम फंजाई। द फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में है क्या है? इट इंक्लूड यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स, मींस व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, बिकॉज़ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप इन नेचर, दे कैन मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, मींस दे हैव मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन साइकिल। मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। ये प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मींस कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद स्पेशल कैविटी, स्पेशलाइज्ड कैविटीज। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट, मींस दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर place as well. अभी ये जो सारे characteristics हमने पढ़े, जो हमने sentences में पढ़े, उन्होंने इसका पूरा एक table दिया हुआ है, table 3.2. This is also a very important table, जो इन्होंने छोटी सी summary बना दी है आपको सारे पांच के पांच kingdoms की। These are kingdoms and these are their special classification order, that is cell type, nuclear envelope है या नहीं, cell wall है या नहीं, mode of nutrition क्या है, food कैसे बनाते हैं, और multicellularity क्या है, मतलब वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उस सारी चीज को जो हमने पीछे पढ़े किंगडम के बारे में, उन्होंने इस टेबल में उस सारी चीज को समराइज कर दिया है। वी विल नो व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस भी अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन पूरे पांच जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें वायरसेस को उन्होंने कोई किंगडम नहीं दिया।
अब वायरसेस क्या कहता है, बिकॉज वायरसेस जो है दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? वायरसेस का ये बहुत बड़ा एक करेक्टर है वो ये कि जब वायरसेस जो है वो आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वायरसेस वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉजेस करते हैं, मतलब जो जो डेंजरस होते हैं फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस का ये इशू है कि वायरसेस कभी भी बाहर रहकर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहकर वो क्या होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते, वो जिंदा होते हैं लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करते। और जैसे ही वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं, मतलब किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं, तो वो फौरन फौरन उसमें डिजीज कॉज करने लग जाते हैं। किस तरह? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक, और वो एक से दो और दो से बहुत सारे होने लग पड़ते हैं, रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और इससे वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम उनको नॉन लिविंग कहते हैं, और नॉन लिविंग कहते हैं दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन, एंड दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स आर ऑल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब दीज आर द टाइप ऑफ वायरसेस, दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम सिस्टम। वायरसेस की एग्जाम्पल एक और मैं आपको दे सकती हूँ, आज आजकल जो सबसे ज्यादा इन है टॉपिक, दैट इज कोरोना वायरस, द कोविड-19। ये भी एक वायरस है, और वो यही आपको बता रहे हैं कि जब ये वायरस आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, मतलब आपके अंदर नहीं जाता, तब तक ये वायरस आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक, वो मतलब रिप्रोड्यूस, वो नॉन लिविंग काइंड ऑफ थिंग है। लेकिन जैसे ही वो आपके नाक कान आंख से आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो वहां रहकर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस करना लग जाएगा, और रिप्रोड्यूस करके वो फैल जाएगा और आप में बीमारी पैदा कर देगा। सो ये एक खास करैक्टर होता है वायरसेस का। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3.5, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है कि हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरी दुनिया में जिनको स्टडी करने के लिए इश्यूज हो रहे थे। इश्यूज क्या हो रहे थे? नेम्स के इश्यूज हो रहे थे कि बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, उस दुनिया में उन ऑर्गेनिजम्स के एरिया टू एरिया नाम भी चेंज होते रहते हैं। मतलब एक अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है अनियन की, अनियन प्याज की, तो अनियन का ये इशू है कि कहीं उसको हम इंग्लिश में मतलब हम अनियन बोलते हैं, कहीं उर्दू में उसको प्याज बोलते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे एरियाज में उसको गंडा बोलते हैं, बैसल कहते हैं, वैसल कहते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है। इसके अलावा भी इन अदर कंट्रीज क्या होता है कि प्याज का बहुत सारे डिफरेंट नेम है, डिफरेंट डिफरेंट नेमों से जाना जाता है। तो इसलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि हर जो ऑर्गेनिज्म था जिसको उन्होंने बाद में स्टडी करना था, उन सबको बायोलॉजिकल नाम दे दिए। दैट इज अगर हम अनियन की अभी बात करें तो अनियन को नाम, जो बायोलॉजिकल नेम है उसका एलियम सीपा नाम है उसका, ठीक। तो ये क्यों दिया? हमने कॉमन नाम दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रीजन और अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज उसका नाम चेंज होता रहता है। सो टू गिव देम अ कॉमन नेम, हमने उसको एक बायोलॉजिकल नेम दे दिया जो कि उसकी स्टडी के लिए बाद में बायोलॉजिस्ट के लिए काम किया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसको साइंटिफिक नाम दे रहे हैं, उसको बायोलॉजिकल नाम दे रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दैट इज सबसे पहला जो रूल है वो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज दैट कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। पहला नेम जो होगा वो जीनस का होगा और जो सेकंड नेम होगा वो स्पीशीज का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा एलियम सीपा, तो एलियम उसका जीनियस है और सीपा उसका स्पीशीज है। इसी तरह जैसे हमने पीछे पढ़ा था ह्यूमन बींग्स का होमो सेपियंस, तो होमो उसकी जीनियस है और सेपियंस उसकी स्पीशी है। तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ व्हिच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड व्हाइल सजेस्टिंग अ साइंटिफिक नेम्स आर, नंबर वन इज दैट के साइंटिफिक जो नेम होता है उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। अटैलिक्स में लिखते हैं, जैसे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होमो सेपियंस आपके बुक में भी लिखा होगा, अटैलिक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर लिखा होता है, ठीक। ये इसका एक रूल होता है लिखने का। दूसरा ये कि अगर आप उसको अपने, मतलब आप अपनी पेज या पेन पेज या कॉपी पे लिखते हो किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम, तो आप उसको अंडरलाइन करते हो, ठीक है।
लिखने के बाद आप उसको अंडरलाइन करते हो, ये इसका रूल है। सेकंड रूल इज कि पहला नाम जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो दूसरा नाम होता है वो कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और वो कौन सा नेम होता है, स्पीशी नेम होता है। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज। अच्छा, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो साइंटिफिक नेम, मतलब आप कुछ एक पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें आपने किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम यूज किया है, तो पहली बार आप उसको पूरा लिखो, पूरे का पूरा, मतलब उसका जीनस नेम भी लिखोगे, स्पीशीज दोनों को जोड़ के लिखोगे। लेकिन अगर बार बार आप उसी चीज का बार बार जिक्र कर रहे हो, तो आप उसको जो उसका जीनस नेम है उसको कैपिटल में लिख कर डॉट डाल के उसका स्पीशी नेम लिख दोगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दी हुई है कि ये उसका पूरा साइंटिफिक नेम है, लेकिन जब हम उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको उसके जो स्पीशी नेम है, सॉरी उसका जो जीनस नेम है उसको पहले उसका कैपिटल में ई लिख देंगे, डॉट डालेंगे और उसका स्पीशी नेम पूरे का पूरा लिख देंगे। ये जो तीन पॉइंट्स हैं, दीज आर द रूल्स विच आर अडॉप्टेड टू राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। सिग्निफिकेंस इज कि क्योंकि बहुत सारे एरियाज में सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक नेम, एक साइंटिफिक नेम दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। नेक्स्ट है, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जांपल, अ फिश इज अ वर्टिबल एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स, बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फिश। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम देखें फिश, तो फिश में ये सारी फिशेज आती हैं जो टाइप्स की हैं, लेकिन बायोलॉजिकल ये सारी फिशेज एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए भी हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का सहारा लिया और हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए, अनियन का दिया हुआ है, स्टार फिश का दिया हुआ है, हाउस क्रो के साइंटिफिक नेम आपको उन्होंने दिए हुए हैं। ये वेरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक 3.6, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। का मतलब ये है कि जो हमारी इकोसिस्टम में चेंज हो रहा है उसको कैसे हम संभाल के रख सकते हैं, अपनी स्पीशीज को कैसे हम संभाल के रख सकते हैं। आप देखते होंगे कि पहले ज़माने में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे एक कॉमन हम लेते हैं डायनासोर्स की। पहले ज़माने में डायनासोर होते थे, लेकिन अब डायनासोर्स ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो डायनासोर की जो स्पीशीज थी that has been extinct from the ecosystem, वो निकल चुकी है। तो दो सिस्टम होते हैं, और ये क्यों होते हैं, मतलब कोई भी स्पीशीज अगर हमारे ecosystem से, हमारे लिविंग जो पार्ट ऑफ अर्थ है वहाँ से ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है, ये दो कंडीशन है। अगर स्पीशीज हमारे ecosystem में से ख़त्म हो चुकी है कम्प्लीटली, तो हम उसको कहेंगे द स्पीशीज हैज बीन एक्सटिंक्ट, मतलब वो ख़त्म हो चुकी है। और अगर वो स्पीशीज ख़त्म हो रही है तो हम कहेंगे दैट इज इंडेंजर स्पीशी, वो जो स्पीशी है वो इंडेंजर। अब ये क्यों होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स की वजह से होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन एक्शंस की वजह से होता है कि वो जो इकोसिस्टम है हमारे उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो ख़त्म होने को है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी डायग्राम्स दी हुई हैं, कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये तकरीबन ख़त्म होने को हो रहे हैं ह्यूमन में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इन लोगों, इन जो ये वाली जो स्पीशीज़ हैं इनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि इनके हैबिटेट को, मतलब इनकी जो रहने की जगह होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तब ये चीज़ें ख़त्म, ये स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं। मीन्स अगर फॉरेस्ट में ये रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, तो जंगलात की कटाई हो रही है, जंगलात की कटाई की वजह से ये ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता मतलब पॉपुलेशन वाली जगह पर आ जाते हैं, और अगर वो पॉपुलेशन वाली जगह पे आते हैं तो वहाँ के लोग उनको मार देते हैं, और इस तरह ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, खतरे में जा रही है, और ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही है। अभी इंडेंजर में है, और एट अ टाइम क्या होगा कि ये सारी जो स्पीशीज हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, और ये सारा ह्यूमन बींग्स की वजह से। सो वट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, वी विल रीड हियर दैट बाय 10,000 ईयर्स अगो देयर हैव बीन अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली ग्रो करती जा रही है, 5 मिलियन से लेकर 600 मिलियन हो गई है अर्थ की जो पॉपुलेशन है। ठीक, अब 600 मिलियन अगर पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियसली उनको जगह चाहिए, उनको ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए जगह चाहिए, उनको खुराक चाहिए। जगह के लिए वो क्या करते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वो जो जंगलात हैं उनको काटते हैं और वहाँ पर अपनी सोसाइटीज़ बनाते हैं। खाने के लिए वो हंटिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की,
चाहे वो जानवर हों की हंटिंग करते हैं या वो प्लांट्स काट के खाते हैं, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इससे क्या है कि ह्यूमन बीइंग ज्यादा हो रहे हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है। पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब गर्मी ज्यादा होती है, और अब जब सर्दी होती है तो उसका भी कोई एक हिसाब किताब नहीं है, वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। और उस डिस्टर्ब होने की वजह से जो डिफरेंट स्पीशीज हैं दैट आर इन डेंजर और दैट आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज इज कॉलिंग। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्सटिंक्ट उस स्पीशी को कहते हैं जिसका जो लास्ट ऑर्गेनिज्म भी है, इंडिविजुअल है, वो मर चुका है, जैसे डायनासोर्स। और इंडेंजर उन स्पीशीज को कहते हैं जो अभी रिस्क में है, मतलब वो थोड़े बहुत बच गए हैं और वो खत्म होने को है, वो खतरे में है उनकी जो पूरी स्पीशी है। सो दीज आर द फोर मेन रीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एनी स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज इंट्रोडक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग एंड अदर। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग मीन्स, डिफॉरेस्टेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, कटाई करना दरख्तों की, दरख्त ना लगाना। उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, जो प्लांट जो दरख्तों पे रहते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनका हैबिटेट खराब हो रहा है। जब उनका हैबिटेट खराब हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वहां से खत्म होते जाएंगे। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी खत्म होते जा रहे हैं इसकी वजह से। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉयल एंड मॉइस्चर इन द एटमोसफियर। आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो क्लाइमेट है, वो भी दरख्त ना लगाने की वजह से, ये दरख्त खत्म होने की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। हैवी रेनफॉल हो रहे हैं, और हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो आपका जो सॉइल है, जो आपकी ज़मीन है, उसमें जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे पानी के साथ बह जाते हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। और इसी तरह डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या है कि अगर गर्मी बंद पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश नहीं होती तो वो बिल्कुल भी नहीं होती बहुत सारे एरियाज में, क्योंकि प्लांट से ही ट्रांसपायरेशन होती है, मीन्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, ट्रांसपायरेशन होती है तो क्लाउड्स बनते हैं। जब प्लांट्स नहीं होंगे ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो जो रेन में जो रेन्स हैं, जो बारिशें हैं, वो अल्टीमेटली रिड्यूस करेंगी। डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं टू गेट द स्पेस फॉर ह्यूमन सोसाइटीज बनाने के लिए, ठीक है। डेवलप कंट्रीज में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। फिर हम जो लकड़ी हमें मिलती है दरख्तों से, उससे हम बहुत सारे अपने फर्नीचर्स, अपना बाकी जो चीज़ें हैं, उस पेपर बनाते हैं, ये सब चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स को काट रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा जहरी बात है, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमोसफेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, फोटोसेंथेसिस नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारा जो बायोस्फेयर है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। और सेम वी कैन ऑल्सो से दैट जब फॉरेस्ट जो है वो एक ब्यूटी होती है किसी भी एरिया की, टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, वो खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट रीजन है अवर हंटिंग। अवर हंटिंग में क्या है, इज एन ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज इन द एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। हम लोग खाने के लिए, शौकिया के, मतलब एक होता है फूड के लिए हंटिंग, और एक आजकल हंटिंग चला हुआ है जस्ट फॉर फन रीजन, शौक के लिए हंटिंग की जा रही है डिफरेंट एनिमल्स को। इसकी वजह से क्या है, उसमें एक्सटेंक्शन आती जा रही है, और जो हंटिंग है फॉर फन पर्पस, दे आर दैट वो इनलीगल है। और सो टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। सो व्हाट आर देयर स्टेप्स, नंबर वन तो ये है कि सबसे पहले आप डिफॉरेस्टेशन को रोको। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के बाद अवर हंटिंग को रोकें। अवर हंटिंग को जब हम रोकेंगे तो हमारी स्पीशीज जो है बहुत हद तक खुद ही कंट्रोल में आ जाएंगी और इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, वर्ल्ड फंड पाकिस्तान है, ये दोनों जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ कॉपरेट करके हम लोग नेशनल रेड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट इन्होंने बनाई है इंडेंजर्स और थ्रेटन स्पीशीज की, और उस स्पीशीज को संभालने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। नंबर वन इज नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इन 1980, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर्मुलेटेड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान
फॉर द कन्वर्जन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये प्रोजेक्ट दिया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है यूएन कन्वेक्शन और कम्पैक्टिंग डिसर्टिफिकेशन, इसमें क्या है, इसमें जो पॉवर्टी या ड्राई लैंड जो है उसके बारे में, उसके जो सोर्सेज है उनको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में है। नेक्स्ट है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, हिमालयन जो है जो माउंटेन का जो पूरा एक सिलसिला है उसमें जो जंगल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जो कैलाश वैली है उसको कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट रिलीज किया। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलोचिस्तान, सुलेमान माउंटेन रेंजेस जो है बलोचिस्तान में, वहाँ पर जो है जलकोजा फॉरेस्ट है, वो जो फॉरेस्ट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, लेकिन उसको भी कंजर्व करने के लिए हमने ये। नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नॉर्दर्न एरियाज हैं जो पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, मतलब वहाँ पर डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनका हैबिटेट है, उन हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए, संभालने के लिए, ताकि वो स्पीशीज अंडर थ्रेट ना जाए। एनएसी ने एक प्रोजेक्ट किया विच हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग, और उसका मेन पर्पस क्या था, बैन ऑन हंटिंग ऑफ दी स्पीशीज, मतलब बिला वजह जो ये जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है इनका इनका शिकार ना किया जाए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल केपी के, चित्राल लाइज इन द माइग्रेटरी रूट ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज, दीज बर्ड्स फेस एनॉमरस हंटिंग प्रेशर, पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर 1992, द एफर्ट प्रूव सक्सेसफुली। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ये नॉर्थन एरियाज हैं इसमें बहुत सारे ऐसे बर्ड्स की स्पीशीज हैं जो बहुत कीमती बर्ड्स हैं और वो माइग्रेट करते हैं, मतलब वो डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट कंट्री से फ्रॉम सीजन टू सीजन माइग्रेट करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर पाकिस्तान में आते हैं तो उनका उनको उनका शिकार किया जाता है, उस शिकार की वजह से वो जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक वो जो स्पीशीज हैं वो इंडेंजर में जाती जा रही हैं, और उसको प्रिजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया जो कि दैट हैव बीन प्रूव सक्सेसफुली। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ चिल्टन मारकोर, मारकोर जो है हमारा जो नेशनल एनिमल है मारकोर, उसका भी जो इश्यूज, उसमें भी क्या था कि उसका भी बहुत ज़्यादा हंटिंग का इशू था, उसकी हंटिंग पर बैन किया गया और उसके लिए भी मैनेजमेंट प्लान किए गए। नेक्स्ट है बैन ऑन गेम्स, फॉरनर्स विजिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बियर्स आर यूज्ड, बहुत सारे मतलब जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर फॉरनर्स आते थे और बहुत सारी ऐसी गेम्स थी जिसमें डिफरेंट एनिमल्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, उन एनिमल्स को यूज़ किया जा रहा था फॉर द पर्पज ऑफ फन एंड गेम्स, इसको भी WWF पाकिस्तान ने बैन किया गया और इलीगल मतलब इस प्रैक्टिस को इलीगल करार दिया गया। इसकी वजह से ये है कि बहुत सारी जो इंडेंजर और बहुत सारी इंडेंजर और इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान की स्पीशीज थी, वो एनिमल्स की जो स्पीशीज थी वो बहुत हद तक कंट्रोल की गई विद दीज कंजर्वेशनल प्लान्स। नेक्स्ट इज इंडेंजर स्पीशीज इन पाकिस्तान, इंडेंजर स्पीशीज इन पाकिस्तान में क्या है कि अब ये वो स्पीशीज आपको बता रहे हैं जो थोड़ी सी पाकिस्तान में खतरे में है, उसकी एग्जांपल इन्होंने दी है इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन क्या है कि अकॉर्डिंग टू WWF पाकिस्तान ओनली 600 एनिमल्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर, द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, पॉचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। इंडस डॉल्फिन जो है जो पाई जाती है इंडस रिवर में, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब बहुत सारी जो फैक्ट्रीज सारा जो गंद है उसको रिवर में डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर पॉपुलेशन है वो इनडेंजर में है। देन है मार्कोपोलो शीप, मार्कोपोलो शीप आर मोस्टली फाउंड इन कुंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाई एरियाज, उनकी भी जो नंबर है दैट हैव बीन डिक्रीजिंग फ्रॉम द लास्ट टू डिकेड्स, एंड उसकी भी कंजर्वेशन के लिए कह रहे हैं मार्कोपोलो शीप उसको भी संभालने के लिए पाकिस्तान WWF ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए। हॉसबरा बस्टर्ड में क्या है, दिस बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान, ये है वो माइग्रेटरी बर्ड, ये विंटर में पाकिस्तान में आता है और चोलिस्तान के डेजर्ट्स में ये रहता है आकर, तो उसमें क्या है कि वहाँ की पॉपुलेशन ने उसको हंटिंग करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से
उसका जो ये वाली जो स्पीशी है हॉर्स बर्ड की, दैट हैव बीन इन डेंजर्ड नाउ। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मोर ओवर इसके जो MCQs हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, और इसके जो एक्सरसाइज है उसके नोट्स आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको जो बायो का जो तरीका होता है, बायोलॉजी को प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि उस टॉपिक में क्या बताया गया है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन उसको आंसर कर सकते हैं। क्योंकि आपके बायोलॉजी के पेपर में कभी भी आपको पूरे पूरे जो टॉपिक्स होते हैं वो लिखने के लिए नहीं आते, आपसे जस्ट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसलिए आपके जो भी टॉपिक होता है उसको आप उसका जो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक में दिया हुआ है आपको उसको अच्छे तरीके से समझ कर करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप उसको आंसर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।